अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पहुंचे हमारे रावलपिंडी। तो टेक्सला चूँकि रावलपिंडी तो 22 मील दूर आए टेक्सला आलमी सकाफती विरसा जड़ा इनू कहा जाता वा। इतने बहुत सारे मकामात आ कदीम जड़े आ, और इतने जड़ा वा सिकंदर आजम ने जड़ा वा वो हमला किया। पांच दिन वो इतने रहा सीगा, और उस तो बाद राजा अंबी सीगा जेड़ा उन्हें हथियार डाले सीगे और उदी इताद दा ऐलान कीता सीगा। फिर वो इतों जेड़ा सिकंदर आजम सीगा वो जेलम दी तरफ गया, और राजा पोरस नाल जेलम किनारे उदी लड़ाई हुई, ते फिर वो जेड़ा उत्थे भी उन्हें कब्जा कीता। रावलपिंडी से टेक्सला जाते हुए जीटी रोड पर एक बुलंद मीनार नजर आता है। ये निकलसन मॉन्यूमेंट है जो 1868 में तामीर किया गया था। जॉन निकलसन रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर जिन्हें अवतार माना गया। टेक्सला पहुंचे इथे जेड़ा वा जॉन निकलसन जेड़ा वा रावलपिंडी का पहला जेड़ा डिप्टी कमिश्नर सीगा। 27 साल की उम्र सीगा। वो कहंदे जी उन्हूं कोई खूबी वगैरह सी, तो लोग उन्हों पूजन लग गए थे। उदे पुजारी कहंदे जी इत्थे हजे भी कोई शायद मिल जाए, लेकिन ये लोग जड़े इन्होंने कहंदे जी अपना कोई मजहब फिरका बना लिया सीगा। और उदी उम्र जड़ी सी 27 साल सी जॉन निकलसन ने, और ये उदी याद दे वेच कोई बनाया जी जॉन निकलसन मॉन्यूमेंट वा इनू कहा जाता। कहंदे जी उदे जड़े पुजारी सीगे उन्हों पूजदे सीगे, इहदे गिरद कोई चक्कर चुक्कर लांदे सीगे। उपर जा रहे हैं, ये जड़ा रस्ता उपर नू जा रहा वा, और असी उधरों जड़ा वा चलते हुए आए हैं नीचे। टेक्सला जड़ा वा ये कदीम जड़ा एक शहर आ, और इत्थे बहुत सारिया इतें ही बुद्ध मत दिया जिहड़ियां चीज़ां मिलूगी। उपर जाके तुहानू दिखा रहे हैं, उपर चलते हैं जी। आज भी अगर आप निकलसन मॉन्यूमेंट को देखने जाएं तो इसके इर्द गिर्द आपको कोई भूला भटका पुजारी मिल ही जाएगा, जो गले में मोतियों के माला डाले नंगे पांव अकीदत की मंजिलें तय कर रहा होगा। इसकी तारीखी अहमियत क्या है और ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन कौन थे, ये जानना सिर्फ इसलिए अहम नहीं कि वो रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर थे, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ 27 साल की उम्र में जब वो इस अहम ओहदे पर तैनात हुए तो उनकी शख्सियत में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि उन्हें अवतार करार देते हुए न सिर्फ उनकी पूजा शुरू हुई बल्कि उनके पुजारियों ने बकायदा एक फिरके की शक्ल इख्तियार कर ली, जो तवील अरसे तक इस इलाके में निकलसन मॉन्यूमेंट के गिर्द भटकता रहा। शायद ये इसी रवायत का तसलसल है कि आज भी अगर आप इस मॉन्यूमेंट को देखने जाएं तो इसके इर्द गिर्द आपको कोई ना कोई भूला भटका पुजारी मिल ही जाए। जॉन निकलसन 11 दिसंबर 1822 को डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। जब उनकी उम्र 9 साल थी तो उनके वालिद इंतकाल कर गए थे। जहां आज निकलसन मॉन्यूमेंट है, यहां पहले सिखों की एक फौजी चौकी हुआ करती थी। निकलसन ने इस चौकी में घुसकर सिखों को मारा था, और बाद रवायतों के मुताबिक वो यहां जख्मी भी हुए थे, जिसकी याद में यहां 1868 में निकलसन मॉन्यूमेंट तामीर किया गया था। ये मॉन्यूमेंट एक चबूतरे और एक मीनार पर मुश्तमिल है, जिसकी ऊंचाई 120 फुट है। जॉन निकलसन मॉन्यूमेंट कॉलम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जी। यह सीढ़ियाँ यह पुराने दौर दी है, तुसी चेक करो। बड़ा औखा वैसे जाना, ये उदों का ही है तकरीबन। इतने स्मेल बहुत आ, ये तो हिस्टरी की जी चार जंगा। बंदा इतने तो एक मिनट भी नहीं खड़ा हो सकते, तुसी बहुत स्मेल आ अंदर। मैं तो कोशिश की सी कि अंदरों तुम दिखाव मेरी तबीयत खराब होने लग गई।
बहुत स्मेल अंदरों आ रही, पता नहीं किस चीज़ की है स्मेल, लेकिन यार ये सीढ़ियाँ तुम चेक करो, सीढ़िया ये वो पुराने दौर का लोहा वा जरा इन्हू इस्तेमाल किया गया वा इतने जोड़ा बनया है। देखो टावर आ जड़ा, लेकिन ये अंदरों स्मैल बहुत गंदी आ रही है, और तुसी एक सेकंड भी अंदर जड़ा ना वो नहीं खलो सकते। आगे चलते हैं, आगे तो अंदाने जी। पहाड़ी के दामन से चबूतरे तक पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई है, चबूतरे से लोहे की सीढ़ियां मीनार के अंदर तक जाती है, जहां एक कमरा सा बना हुआ है जिसमें मालूमाती तख्ती लगाई गई है। इसी कमरे से लोहे की एक और सीढ़ी ऊपर तक जाती है। कहते हैं ये मॉन्यूमेंट जब बनाया गया था तो दोनों अतराफ से 20 किलोमीटर दूर तक नजर आता था, लेकिन आज इसके इर्द गिर्द स्टोन क्रैशर्स की वजह से यहाँ गर्द इतनी ज्यादा है कि इसे करीब से ही देखा जा सकता है। मॉन्यूमेंट से नीचे रोड के बिल्कुल साथ एक खूबसूरत बाग भी इसका हिस्सा था, जिसमें पानी का एक तालाब और फुहारा भी था। इस बाग की बाकियात ही अब रह गई हैं। जब उन्हें रावलपिंडी का डिप्टी कमिश्नर लगाया गया तो उन्होंने एक नामी ग्रामी बागी का सर काट कर अपनी मेज पर रख लिया। जो शख्स भी उनसे मिलने आता वो पूछता था कि ये कौन है। निकलसन सिर्फ 9 माह रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर रहे। आर भाई साढ़े नाल मौजूद आ, आर भाई नू पुछदे आ, आर भाई ये केड़ी चीज़ आ जड़ी टावर जिया वा जॉन निकलसन जड़ा है वा कोई कॉलम? ये जी वकास भाई, ये जो है ना ये निकलसन मॉन्यूमेंट है, या इसको टावर कह लें या कॉलम कह लें। और ये जो था जॉन निकलसन, जो कि रावलपिंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी याद में बनाया। उन्होंने ये पहले यहाँ पे सिखों की जो है एक चौकी हुआ करती थी, जिसके ऊपर जो है जॉन निकलसन ने हमला किया था, और उस और तारीख कहती है कि उन सिखों को इन्होंने शदीद ज़ख्मी किया था। तो उसके बाद जो है उनकी याद में जो है ये जो ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था। लेकिन आर भाई कहते हैं कि उसकी भी पूजा की जाती थी कि कोई जॉन निकलसन दी उनके कारनामे थे, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए उसकी वजह से जो है लोग उनको मतलब अवतार मानते थे और उनकी जो है पूजा पाठ भी करते थे। और इस हवाले से आपको यहाँ पे आसपास अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, फ़कीर तबीयत के लोग, जो कहते हैं कि यहाँ पे आके वो रूहानियत हासिल करते हैं इस पहाड़ी पे आके। हाँ जी कहते हैं जी असी इतने आके रूहानियत हासिल करते हैं। अगे जा रहे हैं, अगे तुम्हें होर टैक्सला दी जी कदीम चीज़ा दिखा रहे हैं। चलो